एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 4:30 बज रहा है और मॉर्निंग से कोई भी व्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जस्ट समझ सकते हैं लेडी प्रॉब्लम। सो आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आपको मेरे फेस से भी काफ़ी मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा डल सा लग रहा होगा। काफ़ी मुझे डार्क सर्कल हुए हैं क्योंकि मुझे कल रात में मैं 2 बजे तक जगती रही, मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है एक्चुअली एंड मेरे पैरों पे भी बहुत दर्द है आज। लेकिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि कल मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं, ब्लॉग नहीं अपलोड करने के लिए। एंड आज मैंने अपलोड किया है एक बहुत ही प्यारा सा फनी चैलेंजिंग वीडियो, सेइंग यस टू माई वाइफ फॉर 24 आवर्स वाला वीडियो। आप लोगों ने अभी तक मुझे 3-4 घंटा हो गया उसको अपलोड किए हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे प्यार किया, अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है। सो अगर आप लोग सेइंग यस टू माई हस्बैंड 24 आवर्स वाला वीडियो भी चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग जरूर बनाएंगे चैलेंजिंग वीडियो, आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। सचिन अभी इस वाले रूम पे हैं राम के साथ में एंड अभी जैसे कि आपने देखा मैंने मैंगो शेक बनाया, हम लोगों ने मैंगो शेक पिया है और अब देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या खाते पीते हैं। बाय द वे वहां पे देखो मेरा शू रैक रखा हुआ है मैंने, जो अभी अमेजोन से परचेज किया है। और मेरा अमेजोन एंड मीशो हॉल मेरे दूसरे चैनल सचित्रा पांडे पे आएगा। आप लोग कहते हैं कि आपको लिंक मिलता नहीं है वो चैनल, एक्चुअली वो चैनल अभी नया है सो इतना ज्यादा रिकमेंडेशन पे वो आता नहीं है। सो मैं उस चैनल का लिंक अपने हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देती हूँ लिंक उसका, तो आप वहां से जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर एंड ऑल्सो ब्लॉग तो मैं यहाँ शेयर करती हूँ, बाकी की सारी चीज़ें मैं अपने उस चैनल पे शेयर करती हूँ। सो आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मेरे उस चैनल पे। सो या एंड आई थॉट कि मुझे हेयर कलर करना चाहिए, मैं हेयर कलर करने का सोच रही हूँ। मेरे बालों का ये नेचुरल कलर है, लाइक आप देखो थोड़े से रेडिश एंड ब्लैकिश आपको दिख रहे होंगे, ये मेरे बालों का नेचुरल कलर है। सो मैं कलर करने का सोच रही हूँ बट मुझे कोई भी वाइट या ग्रे हेयर की प्रॉब्लम नहीं है तो मैं डर भी रही हूँ। देखते हैं कलर करते हैं कि नहीं। आप लोग सजेस्ट करिएगा कि मैं कलर करूँ या नहीं करूँ। मलाई कोफ्ता की सब्जी बनाए, अगर देखिए बनाते तो आपके साथ में शेयर कर देंगे, या जो भी बनेगा आज। अगर मलाई कोफ्ता नहीं बनेगा तो लौकी का कोफ्ता बनेगा, तो उसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर कर दूँगी। आप लोगों को मेरी रेसिपीज भी पसंद आती है, मुझे समझ ही नहीं आता कैसे पसंद आती क्योंकि मैं बहुत अच्छा खाना नहीं बना पाती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक नॉर्मल हाउस वाइफ जो खाना बनाती है मेरा भी वैसा ही है, मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, एक्सपर्ट हूँ कुकिंग में। सो चलिए देखते हैं शाम में डिनर में क्या बनेगा। अभी फिलहाल तो थोड़ी देर बाद चाय वगैरह बनेगी एंड अभी मैं जा रही हूँ सचिन के पास, थोड़ी देर बैठूंगी उनके साथ टाइम पास करूंगी क्योंकि वो मॉर्निंग में जाते हैं फिर इवनिंग में आते हैं। सो अभी उनके पास जाऊंगी, थोड़ी देर उनके साथ में बैठूंगी। आज मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया सचित्रा पांडे के लिए क्योंकि जैसे मैंने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो मैं फिर भी कुछ बहुत ठीक हूँ, कल तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सो मैंने एक्स्ट्रा में 3-4 वीडियो शूट करके रखे हुए थे बिकॉज आई नो कि मुझे 2 दिन पूरे तरह से मेरा जाने वाला है। सो या अभी चलते हैं, सो चलिए चलते हैं सचिन के पास, राम के पास। सो चलिए चलते हैं, थोड़ी देर उनके पास बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। वो लोग वहाँ पे देख रहे हैं मूवी, वे दोनों लेटे हुए हैं, तो चलिए थोड़ा सा उनकी प्राइवेसी को हटाते नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। लेते श्रद्धा से मिलवा देती हूँ आपको, श्रद्धा आओ, श्रद्धा से मिलवा देती हूँ आपको, श्रद्धा रेडी हो गई है, ये देखिए, ये देखो, आई लव इंडियन आर्मी ब्रो। और भैया भी आ चुके हैं। सो राम को लेके मैं घर पे रहूँगी, मैं नहीं जाने वाली हूँ, ये लोग जाएंगे ग्रॉसरी और जो छोटा मोटा सामान, श्रद्धा को भी थोड़ा मोटा सामान लेना है। सो अब जाएंगी वो, मास्क वगैरह सैनिटाइजर ले लिया, हाँ तो मैंने, यहाँ पे तो केसेस हैं, यहाँ पे भी केसेस हैं और बढ़ ही रहे हैं, बढ़ तो हर जगह रहे हैं लेकिन कोरोना अब, सो कोरोना से डरते डरते काफ़ी दिन हो गए, बहुत डर लिया अब हम लोगों ने, अब लड़ना है और लड़ना है सेफ्टी के साथ में रहना है। ये नहीं कि लड़ने के लिए बिना मास्क बिना सैनिटाइजर के चले गए, लड़ना का मतलब है कि आपको मास्क सैनिटाइजर ये सब कुछ लेके फिर उसके साथ आपको प्रोटेक्शन के साथ जाना है और आप अपना जो भी काम है आप करिए बस प्रोटेक्शन के साथ रहिए। कहाँ जाना है? मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मंदिर अभी जाएंगे। क्या हुआ, क्या हुआ राम? चॉकलेट राइम बाइट वाला चॉकलेट कौन लेने जा रहा है? मासी। मासी जा रही है, और पापा कहाँ चले गए? पापा भी बुक दीदी है। बुक लेने गए हैं, अच्छा आप पढ़ाई करोगे क्या बुक से? बुक के लानी की पाले पाले हट्टू। अरे ये नेल पेंट किसने लगाई थी आपको? अंदर क्या अंदर इसको अंदर घुसेड़ रहे हो, इसको अंदर कर दिया आपने बाबू। सो गाइज, लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले आपको लौकी को इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज पीस लिया है, टमाटर को पीस लिया है, एक प्याज ली है उसी में मैंने अदरक लहसुन सबको एक साथ पीस लिया, टमाटर के साथ मिर्ची को पीस ली। अब आपको लौकी को इस तरह से थोड़ा प्रेस करके उसका जितना भी पानी है उसको इस तरह से निकाल देना है।
और आप चाहो तो इस पानी को सब्जी में भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको इसमें बेसन मिलाना है, मैंने आधा कटोरी चम्मच के हिसाब से मिलाया है। भैया मेरा मेजरमेंट वाला सिस्टम नहीं रहता है, जो भी होता है सब मतलब क्या बोलते हैं उसको अंदाजे से करती हूँ, ठीक है। फिर नमक मिलाना है इसमें, थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च मिलाई है, थोड़ा सा गर्म मसाला। बस आपको इसको अब अच्छे से मिक्स करके एक डो तैयार करना है, ठीक है। ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ज़्यादा पतला हो, इतना हो कि आप उसकी गोलियाँ बना सकें। अब जो कोफ्ते हम बनाएंगे ना, आप उसको गोल भी बना सकते हो, लंबे भी बना सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कैसे बनाना चाहते हो, ठीक है। मैं इसके गोल गोल बना रही हूँ, इस तरह से मुझे अच्छे लगते हैं। छोटे बनाइएगा क्योंकि जब इसके अंदर रसा जाता है ना तो ये थोड़े फूल के बड़े हो जाते हैं, तो अगर आप बड़े बनाओगे तो वो और भी बड़े बड़े बनेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे इस तरह से मैं करके इसके कोफ्ते बना लूँगी। उसके बाद में आपको लेना है कढ़ाई, उसमें सरसों का तेल यूज़ करना है क्योंकि ये सब्ज़ी ना सरसों के तेल में और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तेल मेरा गरम हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी अपने कोफ्ते और इसको मैं करूंगी डीप फ्राई। आपको अच्छे से गोल्ड मतलब ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करना है, धीमी आंच में करिएगा, तेज आंच में मत करिएगा। थोड़ा सा मैंने इसको बचा दिया है, इसको जो मैंने डो बनाया था, क्योंकि मैं इसको सब्ज़ी में मिलाऊंगी, उससे क्या होता है ना ग्रेवी आपकी थोड़ी गाढ़ी बनती है और टेस्टी लगती है। अब चलो छौंक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अगेन तेल लिया है, उसमें मैंने डाला है जीरा, अब उसमें ऐड कर दिया है ये पिसी हुई प्याज और इसी में लहसुन अदरक सब कुछ है। अब इसको आपको भूनना है धीमी आंच में। आप इसमें अगर खड़े मसाले डालना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, बट मैंने इसको सिंपल ऐसा बनाया। अब देखो ये मैं आपको कोफ्ते तोड़ के दिखा रही हूँ कि इतना मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब एकदम टाइट टाइट ना बने। अभी देखो क्या हुआ ना, मैं और सचिन बात करने लगे तो रेसिपी मुझसे मिस हो गई, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद प्याज भुनने के बाद मैंने उसमें टमाटर डाला, फिर अदरक धनिया मिर्ची जो भी आपके खड़े मतलब जो सूखे मसाले होते उसको डाला, भूना और फिर मैंने मतलब पानी डाल के और इस तरह से बॉयल कर लिया। बस उसके बाद जब बॉयल आ गया एक बॉयल, तो इस तरह से कोफ्ते डाल दिए, तो यहाँ पर हमारी सब्जी बन के रेडी। और गाइज इतनी टेस्टी बनी थी, अगर आप नॉनवेज लवर पर्सन हो तो आपको ये सब्जी बिल्कुल नॉनवेज ऐसी लगेगी, बट मैं तो नहीं खाती, मैं तो वेजिटेरियन हूं, मुझे बहुत टेस्टी लगी सब्जी। एंड वहां पे पूजा कर रहे हैं वो लोग, आरती कर रहे हैं राम और सचिन, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे से आपको बैकग्राउंड से आवाज भी आ रही होगी। तो अभी यहाँ पे देखो राम और सचिन आरती कर रहे हैं। हम लोग सावन में सचिन जो है वो शंकर जी बनाते हैं, और ये हमारा एक पोस्टर है राम दरबार का, इससे पहले भी मैंने दिखाया। तो ये देखो ये शंकर जी बनवा रहे हैं, हम लोग इसका रुद्राभिषेक भी कराएंगे, तो उसका भी वीडियो आप लोगों के साथ में मैं जरूर शेयर करूँगी। गाइस हमारा ग्रोसरी का सामान आ गया, एंड यार मेरा ना यार मतलब जैसे एकदम से दिमाग मेरा एकदम मतलब काम करना बंद कर दिया, ये सोच के कि अगर हम लोगों का ऐसा हाल है या हम अगर ऐसा सोचते हैं तो जो बेचारे। मैं बताती हूँ बात क्या है, मैं भी आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि ग्रॉसरी कितनी आई है। एंड जब मैंने सचिन से पूछा कि ये ग्रॉसरी कितने की आई है, और जब उन्होंने मुझे बताया तो मेरा यार दिमाग एकदम मतलब सोच नहीं सके। मतलब जब मम्मी पापा लोग कहते हैं ना शादी के पहले कि बेटा शादी होगी ना तब तुम्हें आटा दाल का भाव पता चलेगा, सच में आटा दाल का भाव आपको शादी होने के बाद ही पता चलता है जब आपकी फैमिली होती है। गाइस इतना सा सामान आया है, केवल इतना सा 2500 का, मतलब देख के ना मेरा तोते उड़ गए कि भगवान कितनी महंगाई है। आप बाजार में अगर 2000 रुपए लेकर के निकल रहे हो ना, कुछ नहीं है 2000 रुपए, कुछ भी नहीं है, मतलब कि हद यार। थोड़ी सी चीज़ें आई हैं, इतनी सी चीज़ें, मैंने कुछ इतना ज़्यादा मंगाया ही नहीं था, यही सोच के कि भाई अभी पैसे की बहुत किल्लत है इस टाइम, बहुत बचत से चलो। लेकिन वो भी मेरा 2500 का सामान आया, मैंने सचिन की तरफ देखा, मैंने कहा भगवान इतना महंगा, कितना ज़्यादा महंगा सामान है यार। मैं आपको सामान में दिखाऊँ तो आप कहोगे सामान में सामान नहीं है यार। मैं सोचती हूँ जो बेचारे गरीब है, जो रोज खाने वाले हैं या जो मतलब रोज कमाते खाते हैं, उनका कैसे चलता होगा। हमारी तो चलो बंदी जितनी भी आती है सैलरी आती है, लेकिन जो बेचारे रोज कमाते खाते हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा यार। मेरा तो एकदम दिमाग खराब हो गया। मैं भी आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि गाइज आप लोग देख लो, यहाँ पे आटा है, घी है, थोड़े से बादाम लाए थे सचिन, और ये केले लाए थे, छुआरे हैं, और बस जीरा और ये इलायची, ओरियो बिस्किट्स और लौंग, और ये क्या बोलते हैं रसगुल्ले का एक डिब्बा मंगाया था मिठाई के लिए, और ये एक स्लीपर सचिन मेरे लिए लाए थे। बस इतना सामान हमारा 2500 का, ये सामान है, स्लीपर वगैरह अलग है, स्लीपर अलग है, केवल 2500 का इतना सामान आया था, मतलब मेरे तोते उड़ गए। कौन सा गाना है भैया? ले 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 पागल हो गए क्या? कैसा है इसका?
सो गाइज, आपने सचिन की और श्रद्धा की मस्ती देखी, ये लोग इसी तरह पागलपना करते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के बाद बर्तन पड़े थे, तो मैंने कहा चलो बर्तन धो लेती हूँ, किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मतलब मैंने बनाई नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सचिन ने बनाई थी, मैं बस उनको बता रही थी, क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, और श्रद्धा ने रोटी बनाई थी। तो फिर उसके बाद का काम जितना था वो मैंने कर लिया, मैंने बर्तन धो लिए और यू नो किचन क्लीन कर लिया, खाने के बाद के जो बर्तन निकले वो भी धुल लिए। सो अगर आप मिल बांट के काम करती हो तो एक आदमी के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। और एक बात मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, फिलहाल मैं हाउस वाइफ हूँ लेकिन बहुत जल्द जॉब भी करूँगी, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, हाउस वाइफ की रिस्पेक्ट जो होती है ना वो बहुत ऊपर होती है। अगर आप हाउस वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वर्किंग वूमेन को करते हो, तो ये आपकी बहुत ही गंदी मेंटालिटी आई थिंक, क्योंकि जितना काम एक हाउस वाइफ करती है ना वो 24 घंटे काम करती है विदाउट एनी सैलरी, और एक जो वर्किंग वूमेन होती है वो सैलरी पर काम करती है और उसका एक टाइम फिक्स होता है। सो इसलिए हाउस वाइफ की प्लीज़ गाइज रिस्पेक्ट किया करो और हेल्प भी किया करो अपने घर के लोगों की। बीच में रेसिपी छूट गई क्योंकि सचिन को डिस्कस करने लगे थे और मेरे माइंड से एकदम निकल गया कि हम लोग वीडियो भी शूट कर रहे हैं। सो मैंने बता दिया आपको कि बस आपने उसमें यू नो टमाटर पीस के मैंने डाले थे जिसे मैंने दिखाया था आपको, और उसमें जो मसाले होते हैं हल्दी धनिया मिर्ची गरम मसाला, और इन सबको अच्छे से पका लिया, तब तक जब तक तेल ना छोड़ दे, पानी डाल के उबाल दिया, दैट्स इट। बाकी के प्रोसेस आपने देख लिया। सो अभी हम लोग जाएंगे डिनर का, अभी जस्ट बाहर आके बैठी हूँ, यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइट ठीक है, अंदर वाले रूम में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट वैसी हो गई है क्योंकि वहाँ का हमने लाइट उठा के यहाँ लगा दिया, और आज भी सचिन गए थे लेने लेकिन मिला नहीं क्योंकि शॉप्स जो थी वो बंद थी, तो कल मिलेगा। सो कल देखो राम सचिन आते हैं अकेले या मैं भी जाती हूँ, मेरा कुछ कंफर्म नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है बिल्कुल, तो सचिन ही जाएंगे क्योंकि लाइट लाना ज़रूरी है। इस रूम में एक ही लाइट है जिसकी वजह से भी आपको अच्छा इफेक्ट दिख रहा है। और YouTube का सेटअप बनाने में गाइस बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, और आप देख रहे हो कि मैंने जैसे आपको सुबह बताया था कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, चाहे आपकी तबीयत ठीक हो या ना हो, एक हाउस वाइफ को पूरा घर का काम करना पड़ता है। मैं तो फिर भी बहुत लकी हूँ कि सचिन मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे यू नो हस्बैंड्स बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं। तो अगर आप एक यू नो जेंट्स हो और आपके भी घर पे आपकी माँ है या आपकी यू नो सिस्टर है या आपकी अगर वाइफ हैं, तो प्लीज़ गाइज उनकी मदद किया करिए थोड़ा सा काम में, अगर उनकी कभी तबीयत ख़राब है तो आप हेल्प कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चाहे जितनी हेल्प करें, काम तो आपको करना ही पड़ता है क्योंकि जब तक एक हाउस वाइफ हाथ नहीं लगाती तब तक घर का काम समेटता नहीं है। अभी मैं अगर अपने बेड पे बैठी हूँ, मैं पीछे का आपको मैस दिखाऊं, तो मतलब मैं जहां पे भी जाती हूं, मुझे लगता है यार अभी ये काम पड़ा है। अभी मैं किचन क्लीन करके आई हूं, अभी खाना खाएंगे तो फिर उसके भी बर्तन हो गए, मुझे वो भी धुल लें, फ्रिज मेरी मुझे साफ करने को पड़ी है। अभी मैं आपको अच्छा बैग दिखा देती हूँ, मैस ये देखिए कितना ज़्यादा मैस पड़ा हुआ है, और ये श्रद्धा का और सचिन का किया हुआ है, ये दोनों सचिन के हैं और ये पूरा श्रद्धा ने मैस किया हुआ है, उन्होंने आज अपना इंस्टाग्राम के लिए एक फ़ोटोशूट किया था तो ये मैस उन्होंने करके रखा हुआ है। ये मैस कल से है और मैंने इसीलिए नहीं किया था कि देखो वो करती है कि नहीं करती, तो अभी ये मैस है, अभी इसको उसको बोलूँगी कि करो, इसको तो करेगी वो। श्रद्धा आई है तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है काम में, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं करती, नहीं वो बहुत मेरा हेल्प कराती है सुबह मॉर्निंग में भी और इवनिंग करते हैं डिनर कर लेते हैं। और ये जो टी शर्ट है ना ये सचिन की है, मैं घर पे भाई उन्हीं के टी शर्ट्स पहन के रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है, लूज़ होते हैं और मेरे टी शर्ट जो होते हैं वो भी होते हैं जो मुझे लूज़, मैं वही घर में कपड़े पहनती हूँ। और अभी तो मेरी मतलब हिम्मत नहीं हो रही है उठने की, सच बताऊँ मेरी इतनी सी भी हिम्मत नहीं हो रही है, लग रहा है जाके बस सो जाऊँ, लेकिन खाना अभी राम को खिलाना, हालांकि सचिन खिला देंगे, रोटी श्रद्धा ने बना दी, सब्जी में जो आपने देखा वो सब सचिन ने किया, मैं केवल खड़े होकर शूट कर रही थी, भाई बताती जा रही थी ऐसे कर दीजिए क्योंकि मेरा आज तबीयत उनको भी पता है कि ठीक नहीं है, कल भी मेरा हाल ऐसे ही रहेगा। तो मैं आज सोच रही थी कि एक हेयर स्टाइल का वीडियो शूट करना है मुझे, क्योंकि मुझे एक मेकअप लुक करना है, उसके लिए मुझे एक हेयर स्टाइल बनानी है, लेकिन आज मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है, मेरा एकदम हिम्मत जवाब दे रहा है, तो मे बी कल मैं वो लुक शूट करूँ, और अगर कल भी नहीं हो पाया तो फिर परसों करूँगी, देखते हैं। मेरे पास 2-3 वीडियो तो हैं 2-3 दिन के लिए क्योंकि मैंने इकट्ठा में 3-4 वीडियो शूट कर लिए थे, आपको पता ही है। तो चले चलते हैं, कर लेते हैं हम अपना डिनर, और अभी डिनर करने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। इस रूम में लाइट काफ़ी अच्छी है और आप लोग देख रहे हो मेरा स्किन कितना ग्लो कर रहा है, मैंने मेरा स्किन केयर शेयर किया है मेरे सचिप्रा पांडे वाले चैनल पे, उसका लिंक मैं मेरे कमेंट बॉक्स में और मैं पिन करके डालती हूँ और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी डालती हूँ। आप लोग बोलते हो कि आप
मतलब हमें चैनल नहीं मिल रहा है, तो मैं इसलिए लिंक देती हूँ, तो आप लोग जा करके वहाँ से सब्सक्राइब कर लो। मेरा स्किन केयर रूटीन और गेट अनरेडी भी मैंने वहाँ पे शेयर किया हुआ है, सो आप जाके मुझे वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए चल लेते हैं, कर लेते हैं लंच। सो गाइज गुड मॉर्निंग एंड ये नेक्स्ट डे है, क्लिप जो आप अभी देख रहे हैं। सो चलिए इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया था। सो मुझे अभी भी याद आया जब मैं एडिटिंग करने बैठी कि अरे मैंने तो इसका एंड ही नहीं किया। सो चलो आज का ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अरे मम्मी रे भैया, अरे भैया भागो भागो। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। सो बाय एंड टेक केयर ऑल्सो, बाय गाइस।